चेला हाँ कल देखो एक मरीज आया, अभी उसके जाते जाते तब तक एक और आ गया, अभी वो गया नहीं था तब तक एक और आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज पे मरीज आ जाते हैं, अब कभी कभी ऐसा होता है कि देखना पड़ता है कि कोई मरीज आएगा कि नहीं आएगा। बाबा ये सब किस्मत के खेल है। हाँ एक काम है ना, जैसे तुम हो, तुम्हारे घर के लोग ला के हमारे पास रख दिए कि ये अंधा है, किसी काम का नहीं है, बाबा तुमको अपना चेला बनाया ना, वो क्या है ना, बाबा लोगों का कल्याण करता है, अब तुम बाबा के पास रहेगा ना तो लोग तुमको प्रणाम पाती करेंगे, तुमको जानेंगे मानेंगे, ठीक ना। हमारे पास तुमको कोई दुख परेशानी नहीं ना है? अरे नहीं बाबा नहीं। आपके पास आया तो मेरा पेट भरने लगा। हाँ 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 बिल्कुल सब कुछ। पेट भरने का चक्कर में है, बाबा तो चाहेगा ना तो तुमको खिला के एकदम भैंसा बना देगा। बाबा ने घटा था चारों तरफ से बोली सुना। हाँ कोई मुझे काम नहीं मिलता क्या अंधक वजह से? हाँ हाँ पेट का है मैं छू। ठीक है बच्चा, तुमको बाबा चाहेगा तो एकदम भैंसा बना देगा, लेकिन जानते हो थोड़ा विटामिन वाला चीज कम देते हैं, जानते हो किस लिए? कि ज्यादा तुम भैंसा बन जाएगा ना तो न उठ पाएगा न चल पाएगा, एक तो आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। सही। हाँ और मान लो जो इसीलिए घंटी ये तुमको बांधी है गला में कि जहाँ भी जाते हो घंटी बजाते हो, चाहे मां वहीं रहते हैं तो ये घंटी बजा देते हैं तो तुम मतलब समझ जाता है कि हमको किधर जाना है, कहाँ जाना है, बहुत बार सही हो, क्या करना है, अपने घंटी वाले से। हाँ इसीलिए मैं तुमको ये घंटी बांध दिया, ठीक ना। ये काम अपना बाबा के पास आके तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। अरे पूरी तरह से बदल गया घर से बहुत। हाँ बाबा मैं चाहता हूँ बोली। अरे चला चला वो देख वो देख, तू तो देखता ही नहीं है ना, क्या देखेगा बाबा। इधर से आ क्या? अरे नहीं 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 इधर से नहीं, और इधर से और इधर से नहीं, सीधे में लड़की आ रही है ना, एकदम खूबसूरत है बाबा, नए जमाने की मॉडल में है, जींस और टॉप पहनी हुई है, दिख रहा है दिख रहा है कहाँ देख रहा है, देख रहा है आज, देखने लगा क्या बाबा? अपने मन से मैं देख रहा हूँ। मन से देख रहा है? हाँ। तो इधर नहीं, थोड़ा सा इधर में, जिधर घंटी बज रहा है उधर। हाँ अब इधर से आ रही है, इधर सारी। हाँ अरे अपने ही पास आ रही, बढ़ जा सही से बढ़ जा। अरे उधर हाँ यहीं पे। हाँ और तनी पैक पैक। हाँ इशारा समझता है ना घंटी का? हाँ वो समझता है। जब ऐसे होगा तो बैक हो जाना, जब ऐसे ऐसे होगा तो आगे बढ़ जाना। हाँ नहीं 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 आगे नहीं, और थोड़ा बैक, थोड़ा सा आगे, बस बस बैठ। ठीक है। हाँ आ रही है आ रही है, ये तो अकेले आ रही है, आने दे। प्रणाम बाबा। आ गई बच्ची, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? अब बैठ जाओ यहीं पे बैठ जाओ, बैठ बैठ और हाँ और थोड़ा आगे। हाँ यहाँ पे बैठ जाओ, जगह बन गया बच्ची। हम तुमको वहाँ से देखे कि अकेले आ रही हो तो हम समझे कहीं जा रही है, तो बाबा अपने ध्यान में लग गया, तो फिर से देखे कि तुम मेरे ही पास आ गई। आपके पास आ रहे थे। मेरे पास? मेरे विषय में जानती हो जी, बाबा का नाम सुनी हो? सुने इसलिए ना, बाबा का दूर दूर तक नाम फैला हुआ है जानती हो जी, आप बाबा का घंटी वाला अंधा चेला को जानती हो? सुने हैं। सुनी हो? ठीक है वो तो जानती हो, बढ़िया है, लेकिन मेरे पास आई हो तो क्या बात है, क्या मतलब परेशानी है, क्या कहना चाहती हो कहो, जो कहना चाहती हो बाबा से कहो, बाबा लोगों का समस्या दूर करने के लिए यहाँ बैठता है, समझी बात को जी। तो मतलब बताओ, समस्या बताओ तभी ना बाबा जानेगा, तभी ना उसका समाधान करेगा जी। हाँ
चला बैठो वहीं बैठो, कोई करनी आया हुआ है करनी। बाबा हाँ बैठ बैठ, हाँ 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 बैठ बैठ, हाँ कोई करनी आया हुआ है ना बाबा, उसका समस्या देख रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ। सबको शादी हो जा रहा है, हमारा रिश्ता जब आ रहे तो कट जा रही, क्यों है बाबा? ऐसा है कि मतलब तुम्हारा शादी जहाँ भी रिश्ता लगता है कट जाता है बाबा? आए ये बच्ची एक बच्चा है, आवाज आवाज नहीं मिलाता है।